अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त तला अब्दुल वहाब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमें हमारे YouTube चैनल सना ज्वेलर्स और Facebook पेज के ऊपर। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और वीडियो मुकम्मल देखें ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है 15,000 का लॉकेट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो हर किसी के बजट में आ सके। चलते हैं हमारे न्यू आर्टिकल की तरफ। आपको अपना पहला आर्टिकल, 1 ग्राम इसका वेट है, 21 कैरेट का है ये, 15,000 का आपको ये पड़ेगा। बेसिकली टर्किश डिज़ाइनिंग कहलाती है ये। इसके ऊपर हमने रोडियम का टच दिया हुआ है, 2-in-1 भी कहते हैं, और आपको इस पर स्टैम्प भी वाजे हो रही होगी। इसी के साथ एक और है जो 1 ग्राम का है, डिज़ाइन थोड़ा सा मुख्तलिफ है इससे, वो भी 15,000 का आपको पड़ेगा। ये भी 21 कैरेट का है। आजकल बहुत सारे कस्टमर डिमांड कर रहे हैं कि भाई अल्फ़ाबेट का आप लॉकेट बनाइए, तो ये अल्फ़ाबेट का लॉकेट है, आप जो अल्फ़ाबेट कहेंगे उसके अंदर ये बन जाएगा। हमने इसमें हल्का सा शबनम का टच दिया हुआ है। 1.2 ग्राम इसका वेट है, 21 कैरेट का है ये, 17,500 इसकी प्राइस है। और मैं आपको दिखाऊं बटरफ्लाई वाला, ये 1.9 ग्राम इसका वेट है, 21 कैरेट के अंदर है। अच्छा, जो प्राइस मैं आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये उस दिन के प्राइस हैं। फिर अक्सर कस्टमर कहते हैं कि भाई हमने आपकी वीडियो देखी है, आप वो प्राइस में हमें दे दें, तो एक कॉमन सी बात है कि जिस दिन आप देख रहे हैं उस दिन जो भी रेट होगा उस दिन के हिसाब से लगेगा। अब मैं आपको सबके वेट बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। 2.4 ग्राम इसका वेट है, ये भी 21 कैरेट का है। एक तरफ हमने रोडियम टच दिया हुआ है, रोडियम की डिटेल मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ये भी लाइट वेट के अंदर बहुत खूबसूरत लॉकेट है, 2.2 ग्राम इसका वेट है, ये भी 21 कैरेट के अंदर है। इसमें भी 2-tone कलर हमने करा हुआ है, सिल्वर का और हल्का सा टच दिया हुआ है। ये बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है, खूबसूरत भी है और वज़न में भी कम है। 60,000 इसकी प्राइस है, 21 कैरेट का है ये, 3.6 ग्राम इसका वेट है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।